बालाघाट जिले में सांपों की लड़ाई का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो बैयर तहसील के ग्राम सहदना गांव का है। सांपों को लड़ता देखकर वहां ग्रामीणों का हुजूम लग गया। भीड़ से बेपरवाह सांपों की लड़ाई का यह सिलसिला करीब एक घंटे तक चलता रहा। इस दौरान वे एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में लगे रहे। जानकारी के अनुसार गाँव के लोग जब मंदिर की ओर गए तो देखा कि दो सांप आपस में लड़ रहे हैं। सांपों को लड़ता देख ग्रामीण घबरा गए और देखते ही देखते वहां हुजूम लग गया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया में वायरल किया। वन रक्षक ललित मेश्राम की माने तो इसे गांव की बोलचाल की भाषा में धामंग या घोड़ा पछाड़ सांप भी कहा जाता है। सांपों की यह लड़ाई करीब एक घंटे तक चली। दोनों ही सांपों को बड़े ही सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर अलग अलग जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया गया। सर, मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सहजना में दो सांप देखे गए मंदिर के पास में, जो आपस में लिपटे हुए हैं, और यह सूचना मुझे दुर्गेश मात्रे जी के द्वारा दी गई थी। तो मैं घटनास्थल पर गया और वहां देखा तो जो दो मेल कॉम्बेट थे आपस में लड़ाई कर रहे थे। और ये लड़ाई सर इसलिए करते हैं लोग कि फीमेल को पाना चाहते हैं ये, और फीमेल को आकर्षित करने के लिए आपस में लड़ते हैं, और जिसमें जो विजयी होता है फीमेल के साथ रिलेशन बनाता है। और ये ऐसी जगह पे किसी आम इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, तो इंसान को बाइट कर सकते हैं या किसी प्रकार की भी क्षति पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कृपया ऐसा घटना स्थल यदि आपको दिखता है, ऐसी घटना दिखाई देती है, तो उसके करीब ना जाएं, दूरी बना कर रखें और किसी रेस्क्यूअर को बुला लें। ये धामन प्रजाति के सांप थे सर, और दोनों लगभग 10 फीट लगभग 10 से 11 फीट लगभग लंबाई के रहे होंगे, और बहुत ही इस समय बहुत खतरा रहता है रेस्क्यू करते समय भी, इसलिए उस हिसाब से हम लोगों को सूझबूझ युक्तिबद्ध तरीके से उसको रेस्क्यू करना पड़ा, और उसके बाद उसे जंगल में अलग अलग परिवेश में आज़ाद कर दिया गया। जी सर, धन्यवाद।